शाकिब अल हसन के सुपर ओवर ना खेलने की जीत पड़ी भारी और इसी वजह से टीम को भी होना पड़ा टूर्नामेंट से बाहर। क्रिकेट जगत को शर्मसार करने वाली ये घटना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्या थी वो घटना मैच को लेकर। जी बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन अक्सर विवादों के साथ रहते हैं, उनका साया क्रिकेट से विवादों के साथ जोड़ा जाए तो बहुत सारे ऐसे विवाद उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो मैच फिक्सिंग को लेकर हो, अंपायर की बातों से उलझने को लेकर हो, या कई बार खिलाड़ियों से वो टकरा जाते हैं। अब ऐसे में ही एक विवाद उत्पन्न हो रहा है ग्लोबल T20 कनाडा लीग के बारे में, मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, ग्लोबल T20 कनाडा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित लीग मानी जाती है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर उस टूर्नामेंट में खेलते हैं और ऐसे टूर्नामेंट का प्ले ऑफ का दौर चल रहा है दोस्तों। प्ले ऑफ में वो चार टीमें पहुंचती हैं जो टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। ऐसे में ये टूर्नामेंट बारिश के मार के वजह से काफी परेशानी में रहा, बारिश का साया रहा उस टूर्नामेंट में, लगातार मैचेस लीग के भी कैंसिल होते रहे और उसके बाद अब तो साया प्ले ऑफ में भी पहुंच गया है। तो प्ले ऑफ के दौरान एक भी बॉल फेंकी नहीं गई उस मैच के दौरान। ऐसे में नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि कम से कम T20 में 5 ओवर का मैच होना चाहिए जिससे कि मैच का परिणाम आए, अगर नहीं होता है तो उसके बाद मैच ऑफिशियल्स के पास कुछ राइट्स होते हैं जो ICC के नियमों के अनुसार वो चलते हैं। ऐसे में हुआ क्या, मैच बारिश की वजह से पूरा हो नहीं पाया और ना ही 5-5 ओवर की नौबत आई और मैच ऑफिशियल ने यह निर्णय बनाया कि सुपर ओवर हो जाए। सुपर ओवर तब होता है दोस्तों जब मैच टाई होता है। शाकिब ने यही बात को उठाया कि सुपर ओवर होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैच टाई नहीं हुआ है। ऐसे में मैच ऑफिशियल नाराज हो गए, हालांकि नियम तो यह कहता है कि टाई होगा मैच तभी सुपर ओवर होगा, तो इसमें थोड़ा नाराज हो गए शाकिब अल हसन और मैच ऑफिशियल को निर्णय लेना पड़ा क्योंकि ऐसे में टूर्नामेंट आगे की ओर जा रहा था। तो इस तरीके से मैच जो था बांग्ला टाइगर्स और टोरंटो नेशनल के बीच में मैच था वो, और इस वजह से नंबर 4 पे रहने वाली टीम टोरंटो नेशनल को क्वालिफाई कर दिया गया क्वालिफायर 2 के लिए और इस तरीके से वो क्वालिफायर राउंड में पहुंच गए हैं। तो इस वजह से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा ग्लोबल T20 में शाकिब अल हसन की टीम को। अब देखने वाली बात है इस नियम को लेकर कितने लोग इस पे चर्चा उठाते हैं। खैर, ये टीम के लिए अच्छा नहीं हुआ और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा नहीं हुआ, खासकर ग्लोबल T20 में अगर मैं बात करूं तो बांग्ला टाइगर्स के लिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप भी हमें शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।